तो फिर 4 साल के बाद मैं अपने घर पे आ गया ये मेरा नया हेलीकॉप्टर लेके। और मैं यहाँ पे अपना हेलीकॉप्टर सबसे पहले तो मैंने मेरा लैंड किया और मैं उतर गया और मैं चला अपने घर की तरफ। तब मैं आया था, तब मेरे पास सिर्फ एक ही बाइक थी, MT50, बाकी कुछ नहीं था। फिर हमने सोचा अगले साल जहाँ आऊँगा तब मैं बहुत सारा पैसा कमाऊँगा और यहाँ पे अपने खुद का शोरूम खोलूँगा। तो फिर हम जल्दी जल्दी चले अपने हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए। और हमारे यहाँ से तो दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, इसलिए हम लेफ्ट साइड से चले गए और अब हम बैठ गए हेलीकॉप्टर में। तो फिर ये अब हम हमारे उड़ान भरने के लिए तैयार। और फिर ऐसे ही हम चले गए हमारे विदेश में। और फिर वापस से मैं 5 साल के बाद विदेश से आ गया। तब रात थी बहुत सारी और मैं मेरा हेलीकॉप्टर अंधेरे में। फिर जब मैं सुबह उठा तो फिर मैं चला अब हमारा शोरूम देखने के लिए नीचे जल्दी जल्दी, हमारा शोरूम कैसा है। और मैंने सुबह उठ के देखा भाई साहब, और ये हमने स्प्लेंडर का, मेरे मैनेजर ने पूरा शोरूम खोल के रखा था। इतने सारे यहाँ पे स्प्लेंडर थे ना भाई साहब, मतलब सारी की सारी स्प्लेंडर ही थी यहाँ पे, लाल कलर की और ब्लैक कलर की। और इतने सारे स्प्लेंडर देख के भाई, और हमारे पास बहुत बड़ा शोरूम हो चुका था क्योंकि हमारे पास इतने सारे स्प्लेंडर जो है। तो फिर मैं एक दिन ऐसे वापस से हमारे स्प्लेंडर को लेते लेते घूमते घूमते चला गया। फिर हम बहुत तेज़ी से चल रहे थे और हमारे कुछ भी नहीं टकरा, फिर भी मैं गिर गया। फिर मेरे को लगा ये मेरे लिए अच्छी नहीं है। फिर मैंने सोचा इसको आज हम सारे के सारा शोरूम ही उड़ा देंगे। तो फिर जल्दी जल्दी मैं चला, पहले स्प्लेंडर के ऊपर मैंने स्टिकी बॉम्ब लिए और हम एक स्प्लेंडर पर लगा देंगे। ये मैंने ये एक लगाया और हाँ, एक ही स्प्लेंडर के लिए हमने एक बॉम्ब लगा दिया। हम जल्दी जल्दी पीछे जाएंगे, इसने हमारे बहुत, हम इस बाइक पे से गिरे हैं। जल्दी से हम स्टिकी बॉम्ब को फोड़ देंगे और जैसे एक एक फूटेगी वैसे उसमें के बाजू के भी फूट जाएंगे। चलो ये, और ये हमारा शोरूम का नुकसान होते हुए बहुत सारे स्प्लेंडर फूटते ही जा रही है, मतलब क्योंकि इसके वजह से मैं गिर गया था। फूटने जाए, सारा का सारा शोरूम उड़ने वाला है अभी। अब बस थोड़ा सा ही बाकी है और ये उड़ जाएगा पूरा का पूरा, हमारा करोड़ों का शोरूम ही ये खराब हो गया भाई। ये सारे के सारे स्प्लेंडर टूट फूट गए। अब ये कुछ 2-3, ओ भाई मेरे को वापस से ये लग गई भाई, इसलिए मैं इस स्प्लेंडर को उड़ा दिया क्योंकि ये हमारे नसीब में बहुत खराब था। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।